करोड़ों रुपए की लागत से 39 एकड़ पर आवाम की तफरी के लिए बनाया जाने वाला कायदे आजम हिल पार्क म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान की अदम तवज्जो के बायस अब बदहाली का शिकार हो चुका है। हिल पार्क में हर तरफ बड़े बड़े जंगली जड़ी बूटियों ने अपना कब्जा जमा रखा है, जिसके बायस फैमिलीज ने हिल पार्क में आना कम कर दिया है। सैर तफरी के लिए आने वाले खौफ का शिकार रहते हैं कि झाड़ियों से कोई सांप वगैरह निकल कर काट ना ले, जबकि झील के एतराम में भी बड़े बड़े सरकंडों और बड़ी बड़ी घास ने भी डेरा डाल रखा है, जबकि हिल पार्क मुख्तलिफ जानवरों की चरागाह बन चुका है। ये पार्क कम और चरागाह ज्यादा दिखाई देता है। इस मौके पर लोगों का कहना था कि जब बच्चों के लिए बच्चों के साथ हम लोग उनको एंजॉय कराने के लिए उनको सैर करवाने के लिए तफरी के लिए हम आते हैं। हमारे सांगलाइल में एक हिल पार्क है, अकलौता हिल पार्क, जो पूरी दुनिया से बल्कि यहाँ पे सयाह आते थे। अब तो ये हाल हो गया कि हम जब बच्चों को लेके आते हैं तो गेट से एंटर होते हैं तो सामने कचरा हमारा इस्तकबाल करता है। जानवर, गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ वो फिर रही हैं, उनकी चरागाह का मंजर नज़र आ रहा है, और जो तफुन है वो तो बिल्कुल भी बच्चों को यहाँ पे सांस लेने में इतनी दुश्वारी होती है कि वो कहते हैं कि जी बाबा चले हम वापस। अब वो हिल पार्क नहीं रहा। डीसी साहब और मुकामी इंतजामिया से हम इल्तमास करते हैं कि हमारी इन गुजारिशात पे ज़रा तवज्जो फरमाई जाए और हमें इस अजाब से निकाला जाए, इसकी प्रॉपर देखभाल की जाए। इस सांगला हिल में ये वाहद अकलौता पार्क है जहाँ पे हम अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को, माओ बहनों को यहाँ लेके आते थे सैर करने के लिए, लेकिन अफसोस है कि चंद माह से इस पार्क में जो हमारी मुकामी म्यूनसिपल कमेटी का अमला है वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा। यहाँ पे जानवरों की ये चरागाह बन चुका है, यहाँ पे कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, और इस पार्क की हालत ज़ार पे हमें भी रोना आता है। हम तो दरख्वास्त करते हैं डीसी ननकाना साहब से कि और हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल हैं कि खुदारा इस पार्क की हालत ज़ार पे रहम किया जाए, यहाँ पे जो माली हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाए और इस पार्क की हालत को बेहतर बनाया जाए ताकि बाहर से आने वाले जो सयाह हैं वो भी सैर व तफरी कर सकें, इसको इंजॉय कर सकें और हम भी अपने बच्चों के साथ दोबारा से यहाँ इंजॉय कर सकें। बच्चों के साथ जब भी कभी हम हिल पार्क आते हैं तो आते तो हम फैमिली के साथ तफरी के लिए हैं, लेकिन यहाँ आके एक मजीद जलालत का सामना करना पड़ता है। भैंसें चल रही होती हैं पार्क में, भेड़ बकरियां फिर रही होती हैं, जगह जगह कूड़े कटकट के ढेर लगे हुए हैं, और बजाय इसके कि फैमिली एंजॉय करे वो मजीद परेशान होकर घर वापस। पार्क की सफाई सुथराई कल के पार्क को सैर तफरी के काबिल बनाया गया। कैमरा मैन मियाँ सैफ रहमान के साथ वाश न्यूज फैसलाबाद।